अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को अमर होने का रहस्य बताया था। आपको जान के हैरानी होगी कि अमरनाथ में दो कबूतर ऐसे हैं जो काफी वर्षों से यहाँ पे रहते हैं। कहा जाता है कि यह कबूतर भगवान भोलेनाथ की तरह अमर हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों होती है और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला और आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिसमें कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी ये अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा को सुनाई थी, जिसे आज हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चल पाया। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज भी निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक बन के रहेंगे। ये कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतर का दर्शन भक्तों को यहाँ पर प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।